Subscribe under 24/7 and press the bell icon. हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार मैं फिर से आपके पास आ गई हूँ एक और एग्जाम की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो सबसे पहली बात भाई, अदर 24/7 और एसएससी अड्डा पर आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा कि हर एग्ज़ाम के लिए मैम आपको अपडेट देती रहती हैं और एग्ज़ाम को लेकर जो क्यूरियस क्वेश्चंस होते हैं वो मैं नोट करती रहती हूँ, और जिसकी रिक्वेस्ट मुझे सबसे ज़्यादा मिलती हैं उसके ऊपर मैं अपना सेशन प्लान करती हूँ। तो भाई स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम निकला हुआ है एंड बहुत सारे बच्चों स्पेशली गर्ल्स की भी मेरे पास क्वेरी है कि मैम स्टेनोग्राफर करते क्या हैं, क्या होता है स्टेनोग्राफी में, या इस एग्ज़ाम के लिए कैसे हमें मेहनत करनी है। एंड एक्चुअली मेरा सेशन है कि कैसे बने एसएससी स्टेनोग्राफर। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम है, 10+2 लेवल का है, 18 साल मिनिमम है, तो इसका मतलब बहुत सारे बच्चों के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है जी। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से देख लेते हैं इसके बारे में सब कुछ, क्या करना है, क्या एग्ज़ाम में करना होता है, क्या क्या सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं और क्या आपका काम होगा। तो स्टेनोग्राफी जो है इसको आशुलिपिक कहते हैं। आप कहोगे मैम ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपका मेन काम होता है लेख, मतलब लिखने का। स्टेनोग्राफर्स जो होते हैं वो शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, मतलब जैसे जब कोई भी जज अपनी बातों को बोल रहा है तो एज इट इज़ वो कैसे आ जाती है ना, तो या तो कोई वहाँ पर टाइप कर रहा होता है, बट टाइप करते वक्त भी भाई इतने फ्लो में हम वर्ड्स को बोल रहे हैं बट इतने फ्लो में टाइप तो नहीं हो पाता है, इसलिए शॉर्ट हैंड एक तरीका होता है जिसमें हर एक वर्ड का कोई ना कोई एक शॉर्ट तरीका होता है लिखने का। तो स्टेनोग्राफर्स उस तरीके को याद करते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्ड को किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो गाइज यही काम है स्टेनोग्राफर्स का, बहुत ही बेहतरीन जॉब है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आपको स्टेनोग्राफर बनाया जा सकता है। हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में स्टेनोग्राफर्स की पोस्ट निकलती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो 10+2 मतलब जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 30, मतलब इट्स अ लॉन्ग गैप, बहुत सारा समय आपके पास रहता है, 12th के जस्ट बाद आप चाहें तो स्टेनोग्राफर बन सकते हैं, ठीक है। स्टेनोग्राफर किन किन डिपार्टमेंट्स में होते हैं और क्या एक्चुअली वो काम करते हैं जान लेते हैं। तो देखिएगा, सम ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टेनोग्राफर इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफ अ पर्सनल असिस्टेंट सच एज। तो स्टेनोग्राफर्स का मेन काम क्या होता है, वो असिस्टेंट होते हैं, और वो क्या काम करते हैं, टेकिंग डिक्टेशन एंड टाइपिंग, डिक्टेशन लेते हैं और उन्हें टाइप करते हैं, हैंडलिंग टेलीफोन कॉल्स, भाई टेलीफोन कॉल से जो जैसे माने कोई अभी आपका ऑफिसर है उसके लिए एक कोई मैसेज है, आपको जल्दी जल्दी वो नोट करना पड़ा अपने ऑफिसर को बताने के लिए, भाई जिसके भी आप असिस्टेंट हो, सो हैंडलिंग टेलीफोन कॉल्स, हैंडलिंग विजिटर्स समटाइम, मेंटेनिंग एंगेजमेंट, जो लोग आ रहे हैं और जो आपके जो भी आपके जिसकी भी रिपोर्टिंग आपको दी गई है उनसे मिलने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनके एंगेजमेंट्स को मेंटेन करना, प्रिपेयरिंग टूर programs and travel arrangements, e-tracking of files and important papers, handling parliamentary work, e-mentoring, e-monitoring, management system of importance references. तो भाई ये हमारे कुछ काम होते हैं, मैंने आपको बताया एसएससी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, प्रेस्टिजियस अच्छी जॉब है, ऑफिसर रैंक तो नहीं है बट एक असिस्टेंट रैंक है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अच्छा हमें करना क्या होगा, कैसे हम लोग स्टेनोग्राफर बन पाएंगे। तो सबसे पहली बात भाई, कैंडिडेट्स को सबसे पहले एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा जो कि कंप्यूटराइज मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। पहला चीज़ आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, अभी बात करते हैं कि एग्ज़ाम्स में क्या क्या आएगा, ठीक है। द स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड द कमीशन विल फिक्स द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन द स्किल टेस्ट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स। कहने का मतलब है जो भी डियर स्टूडेंट्स आपका एग्जाम होगा ना, उस एग्जाम की भाई एक कट ऑफ जाएगी, और वो कट ऑफ कौन तय करेगा, वही जो जी भी एग्जाम करा रहा है भाई, वही सिलेक्शन बोर्ड से कट ऑफ को भी तय करता है, ठीक है। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द स्किल टेस्ट विल बी रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट बाय द कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। देखिए आपके लिए वहाँ पर जो स्टेनोग्राफी टाइपिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टेनोग्राफर बनने के लिए स्टेनोग्राफी स्किल्स होना ज़रूरी है। तो चाहे कोई भी कैटेगरी हो, चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, इसमें कोई रिलैक्सेशन किसी को नहीं दिया गया है, स्टेनोग्राफी टेस्ट में पास होना सभी के लिए ज़रूरी है। स्टेनोग्राफी टेस्ट तक आप जब पहुँचते हैं, जब आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है।
रिटन एग्जाम की अगर डियर स्टूडेंट्स बात करें तो भाई तीन सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश की थोड़ी ज़्यादा तवज्जो यहाँ पे दी गई है। इंग्लिश को भाई 100 मार्क्स का दिया गया, 100 मार्क्स इंग्लिश में, आपकी ग्रामर, आपकी वोकैबुलरी, आपके कॉम्प्रिहेंशन, ये सब पूरा मिला के आपके 100 मार्क्स की इंग्लिश बनाई जाती है। रीजनिंग भाई आपकी 50 मार्क्स की है, एंड जीएस आपके 50, जीएस में आपका पॉलिटिक्स है, आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, ये सब मिला के आपका 200 नंबर का पेपर बनेगा। एक बार फिर बता देती हूँ कि इंग्लिश का वेटेज थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं, कट ऑफ को आप क्लियर कर लेते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आप जाते हैं कहाँ पर, आप जाते हैं टाइपिंग टेस्ट पर। देखिए ये आपको सीखनी पड़ेगी, जैसे आपको भी प्रिपरेशन यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं एसएससी अड्डा पर, आपको स्टेनोग्राफी की पूरी प्रिपरेशन मिल जाएगी, बट जो टाइपिंग टेस्ट है डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको कोई क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी जहाँ पर आपको टाइपिंग सिखाई जाती हो, ठीक है जी। तो इन दिस टेस्ट कैंडिडेट्स विल बी गिवन अ डिक्टेशन ऑफ 10 मिनट्स इन हिंदी और इंग्लिश, मर्जी होती है, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट। समझ रहे हो इस बात को, 100 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइप करने होते हैं, आपको 10 मिनट का समय दिया जाता है। फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर सी, देखिए दो तरह की पोस्ट होती है, एक होता है सी ग्रेड, एक होता है यहाँ पर डी ग्रेड, एंड 80 वर्ड्स पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। तो ग्रेड डी, क्योंकि भाई ग्रेड भी थोड़ा कम है, तो यहाँ पर हमारी जो वर्ड लिमिट है वो भी कम है। आपकी मर्जी है कि आप हिंदी में करना चाहते हो या फिर आप इंग्लिश में करना चाहते हो, ठीक है। द मैटर विल हैव टू बी ट्रांसक्राइब्ड ऑन कंप्यूटर, द ट्रांसक्रिप्शन टाइम इज एज फॉलोज, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट और ग्रुप डी में 80 वर्ड्स पर मिनट। अब यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का भी थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर इंग्लिश है तो आपको 50 मिनट्स का टाइम होगा, अगर हिंदी है तो आपको 65 मिनट्स का टाइम होगा। सिमिलरली ग्रुप डी में आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा इंग्लिश के लिए और 55 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको हिंदी के लिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा स्टेनोग्राफी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई। पहली बात, कम से कम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स आप होने चाहिए। क्वालिफिकेशन है भाई आपका 12th होना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, चाहे आपने 12th PCM से किया हो, चाहे आपके पास साइंस थी, चाहे आपके पास मतलब होम साइंस हो, वट एवर यू हैव, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। आपको पहले क्या क्लियर करना है, पहले आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना है, इंग्लिश, रीजनिंग, GS, वो क्लियर करने के बाद आप चले जाएंगे स्टेनोग्राफी टेस्ट में। स्टेनोग्राफी को सीखने के लिए कम से कम भाई 6 महीने चाहिए एक अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए, तो स्टेनोग्राफी को सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। सर एक बार आप हमें फुल स्क्रीन कर दीजिए। तो भाई आप SSC अड्डा पर अपने स्टेनोग्राफी की पूरी तैयारी कर सकते हैं, यहाँ पर आपका इंग्लिश का सेशन, GS और आपका रीजनिंग, ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर कराए जाते हैं। तो SSC अड्डा को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और स्टेनोग्राफर आप लोग बन सकते हैं, ठीक है। तो SSC के किसी अपडेट के लिए आप SSC अड्डा पर जाएं। अगर बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आप कर रहे हैं, चाहे IBPS PO हो, RRB PO हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे SBI हो, चाहे RBI हो, चाहे LIC हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए आप हमारे चैनल अड्डा 24/7 पर जाएं। अगर आप JEE या अगर आप DSSSB, NMRC, DMRC अगर आप एग्जाम दे रहे हैं या अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टेक्निकल अड्डा 24/7 पर जाएं। अगर आप UPTET, CTET इन एग्जाम मतलब टीचर्स वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टीचर्स अड्डा पर जाएं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए हम हैं आपका सॉल्यूशन, आपके सिलेक्शन की राह हम लोग आपको दिखाएंगे, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, जरूर आप इसे शेयर कीजिएगा अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, जिनके लिए आपको लगे कि ये इंफॉर्मेशन यूजफुल हो सकती है। मिलूंगी आपसे फिर से किसी और वीडियो में। अगली वीडियो आप किस चीज के ऊपर चाहते हो, कौन से एग्जाम में आपको डाउट है, आप मुझे इसके कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।